आसमान मेरा मैदान है, उड़ान मेरी अठखेलियाँ, अपने पंखों को देती हूँ उन नन्हों का वास्ता, कि मेरे पंख कभी ना भूलें घोंसले का रास्ता। मेरी आवाज़ में आंगन मुस्कुराता है, मेरे होने से मकान घर कहलाता है। बूझो मैं कौन हूँ, तुम्हारी चिरैया। तो ये जो चिरैया है, ये जो छोटी सी नदी है, ये जो आंगन है, वो सब महुआ में महफूज है। नेचुरल फॉरेस्ट और नेचुरल प्लेस पे जो रिसोर्ट्स बनाए अपने आप में अद्भुत है और सुंदर ही सुंदर। तो यहाँ पे आने के बाद में इतना अच्छा प्रतीत होता है जैसे हम शहर से दूर पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए। बिल्कुल अपने आप ही फुल ऑफ ऑक्सीजन और फुल ऑफ महुआ, महुआ के पेड़ के बीच में, इसीलिए नाम इसका महुआ हाउस रखा गया। रिसोर्ट बहुत सुंदर है एंड इनकी होस्टिंग तो लाजवाब, हमेशा ही इतना अपनापन, इतना अच्छा लगता है। हरियाली तीज जो है ना, ये सुहागनों का त्यौहार है बेसिकली, और इसमें जो मायके वाले हैं ना, वो कुछ श्रृंगार का सामान और फ्रूट्स मिठाई वगैरह भिजवाते हैं लड़की के घर। और लड़कियां जो, जिसे सिंधारा टाइप का बोलते, सिंधारा बोलते हैं, उसमें घेवर होता है, मेहंदी होती है, चूड़ियाँ होती हैं, और जो सुहागने होती हैं वो सज धज के और सब झूला झूलना और मौज मस्ती, मतलब उस टाइप से है ये। ये तो मेरी फेवरेट जगह है। पहली बार यहाँ आया हूँ, आकर के लगा कि जन्नत बना के रखी तरुण जी ने। महुआ फार्म हाउस में आना तो हम लोगों का एक ड्रीम रहता है। भैया साल में दो बार फंक्शन करते हैं, तो पहले हम होली के उसमें आए थे, आज हरियाली तीज के फंक्शन को सेलिब्रेट करने आए, और बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, खूब गाने गाए, खूब मस्ती की। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। वापस बचपन में लौट गए हैं, वापस उन दिनों में लौट गए हैं जहाँ ज़िंदगी शुरू हो रही थी, क्योंकि अब तो बहुत एक्टिव लाइफ है। और ये जो जगह है, जन्नत है बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि मेरे जैसे लिखने के शौकीन लोगों के लिए तो ये वो जगह है कि दो तीन महीने के लिए मैं तरुण सर से बोलूं कि आप मुझे एक कोना दे दीजिए बस यहाँ का, और यहाँ से निकलूंगी जब वापस तो एक किताब लेके साथ में निकलूंगी। बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन चल रहा है, और झूले डले हुए हैं डालों पर, और खाना वाना सब, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा है, वेल मैनेज, सब कुछ बहुत बढ़िया है। महुआ हाउस बहुत सुंदर लगा, ऐसा लग रहा है हम लोगों का पूरा संडे बन गया। एक तो आज मौसम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे व्यूज़ इतने सुंदर हैं, देखकर मज़ा आ गया। बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, हर जगह ऐसा लग रहा है कि नेचर ने एक फ्रेम बना के रखा है, जहाँ जाओ वहाँ पर एक फ़ोटो खींच सकते हैं। अलग अलग सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करने का बहुत अच्छा स्पॉट है। फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई, अपने मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करा। यहाँ पर हम लंबे लंबे स्पॉट्स पर गए, अच्छे अच्छे मुंगोड़े खाए, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने पत्थर बाउंस कराना सीख लिया बस। ये मेरा पहला विजिट है महुआ हाउस का, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ के एक रियल पीस फाइंड कर सकते हैं, और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, और यहाँ का जो पूरा माहौल है, एटमॉस्फियर है, सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। महुआ हाउस आना हमेशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतने सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो एक तरह से एक बहुत अच्छा संडे यहाँ पर बीता, और जिन लोगों से बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहे थे उनसे भी मिलना हुआ, बहुत एडवेंचर करने को मिलता है, तो कुल मिला के बहुत मज़ा आया। यहाँ पर रह के, घर में रह के जंगल सा एहसास, या जंगल में रह के घर सा एहसास होता है, और प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको और बेहतर से बेहतर बना जाए। तरुण भाई का ये एक सपना है कि ये एक बहुत बड़ा होके फले फूले और भोपाल वालों को सुविधा प्रदान करे। हम लोग सुबह से सब आपस में झूले झूल रहे हैं, गीतों पे गाने गा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अगर हम सब अपने वातावरण को बचाते रहें, सहजते रहें, सहजते रहें, तो हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी, उनका भविष्य भी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा है, चारों तरफ जैसे जंगल है, ऐसा ऐसी चीज़ें शहर में देखने में कम ही मिलती हैं। वीकेंड में जैसे आते हैं बच्चे हैं, उनको घुमाने के लिए कोई जगह ऐसी होती नहीं है जनरली। महुआ हाउस जो है जिनका, उनकी फैमिली से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जॉइंट फैमिली, जबकि सारे काफ़ी बाहर रहते हैं, बट उनसे ही पता चला कि एक बुलाने करने में मेल मिला। ये रिलेशन्स आजकल देखने को इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। उनकी सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, उनके शायद काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी हैं, उन्होंने बताया, वो मुझे बहुत टच कर गया कहीं पर उनकी। मैं तो एक सलाह और दूंगा कि मेरी उम्र के जितने लोग हैं, पति पत्नी सहित, उनके रेसिडेंस का रेस्ट हाउस टाइप बनाया जाए। जंगल का जो वातावरण मिलेगा उसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी उसी से ही दया दृष्टि से
वो स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्नचित रहेंगे। सावन के झूले पड़े हैं।